हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आयर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड दिस इज देवशीष अवस्थी और जैसे पता होगा आज संडे है और संडे के दिन मैं डिस्कस करता हूं आपसे दैट इज अ वीकली करंट अफेयर्स ओके जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है पूरी वीक की करंट अफेयर मैं एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करूंगा एट सेप्टेम्बर से लेकर फिफ्टींथ सेप्टेम्बर तक की सारी करंट अफेयर्स होगी अभी किसी ने डेली करंट अफेयर्स किसी की मिस हो गई है तो इस लेक्चर को आप देखेंगे तो आपका सब कुछ कवर हो जाएगा ओके okay? इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं ओके okay? और स्टार्ट करते हैं तो आई होप सब लोगों ने इस वीडियो को लाइक जरूर कर दिया होगा और हम स्टार्ट करते हैं देखते हैं कौन कौन से इस वीकली के लिए सेटेंट एनसीक्यूज है लेट okay? स्टार्ट uh, सबसे पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा मानना एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन क्या है विच मिशन वॉज अप्रूव्ड बाई यूनियन कैबिनेट विथ रूपीज टू थाउजेंड करोड़ इन्वेस्टमेंट टू एनहांस वेदर फोरकास्टिंग इन इंडिया हम देखते हैं हमारे वेदर फोरकास्टिंग का इशू बहुत है तो आप देखते हो कब बारिश होगी कब बारिश नहीं होगी हमें पता ही नहीं चलता है ठीक है हम उस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करें ठीक है उसके लिए सरकार ने एक मिशन लॉन्च किया है उस मिशन का नाम है मिशन मौसम याद तो करेक्ट आंसर क्या है दैट इज ऑप्शन नंबर मिशन मौसम और इसमें होगा क्या देखिए ये मिशन जो है बता दू मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने लॉन्च किया है जिसका काम है जो हमारा वेदर प्रोडक्शन रहता है उसकी एक्यूरेसी और बेटर हो सके उसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाएगा जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग जिससे कि हम एक्यूरेट वेदर फॉरकास्टिंग कर सके कि उसका प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके इसी के यूनियन कैबिनेट ने मिशन मौसम जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बट उससे पहले मैं आपसे एक होमवर्क दे रहा हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है वो एट प्रेजेंट मिनिस्टर कौन है सेंट्रल गवर्नमेंट में हु इज द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है उसके मिनिस्टर कौन है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताओगे ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड भी इंपॉर्टेंट है रिसेंटली क्वेश्चन क्या है रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन पहला इंडियन है टू होस्ट एन इंटरनेशनल एमई इवेंट 2024 अब आप कहेंगे सर ये इंटरनेशनल एमई इवेंट क्या है मैं आपको बता दूं ये वैसे नवंबर में होस्ट होगा नवंबर 2024 में इसकी होस्टिंग होने वाली है ठीक है ये कंडक्ट किया जाएगा और ये एक तरीके से टेलीविजन प्रोग्राम में जो लोग बेस्ट होते हैं जो एक्सीलेंट होते हैं उनको यहां पर अवार्ड दिया जाता है आउटसाइड यूएस मतलब यूएस से आउटसाइड जो होता है है ना और टेलीविजन इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है उसको ये अवार्ड दिया जाता है ठीक है और पहली बार कोई इंडियन इस अवार्ड शो को होस्ट कर रहा है जो कि नवंबर में होगा उसको भी रिसेंटली डिक्लेयर किया और ये न्यूयॉर्क सॉरी यूएसए यू 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 में होने वाला है याद रखिए कहा होने वाला है यूएसए में होने वाला है ये भी आपको एग्जाम परस्पेक्टिव से चीज याद रखनी है ठीक है कौन होस्ट कर रहा है आई थिंक आप इनको जान सकते हैं कॉमेडियन है इनका नाम है वीर दास तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है वी दास okay, ये होस्ट होंगे आप यहां देख सकते हैं तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए है ना ये स्टैंड अप कॉमेडियन एंड एक्टर है वी दास और ये पहले इंडियन है जो इस इवेंट को होस्ट करने वाले हैं ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है रिसेंटली इंडिया फर्स्ट टील कार्बन स्टडी अंडरटेकन एट विच नेशनल पार्क देखिए टील कार्बन क्या होता है मैं आपको बेसिक सा बता दूं देखिए टील कार्बन मतलब होता है ऐसा कार्बन ठीक है याद रखिएगा जो कि स्टोर होता है फ्रेश वाटर में ठीक है टाइडल वाटर में नहीं फ्रेश वाटर में जो स्टोर होता है ठीक मतलब है मतलब नॉन टाइडल वेटलैंड आप कह सकते हैं ठीक है नॉन टाइडल वेटलैंड में जो कार्बन स्टोर होता है उसे कहते हैं हम टील कार्बन ओके और ये जो कार्बन होता है, होता है है बहुत बेनिफिशियल कहने का मतलब जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है ठीक है कैप्चर कर लेता है तो आप कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कम हो सकती है है ना तो ये टील कार्बन जो है ये कहा मिलता है ये एक तरीके वेट से वेटलैंड मिलता है जो फ्रेश वाटर वेटलैंड होती हैं वहां पर ठीक है तो उसके लिए और ये वेटलैंड अगर मतलब आप सोचिए अगर वेटलैंड में टील कार्बन मिल रहा है स्टडी हो रही है और वो प्रेजेंट है तो उससे क्या होगा जो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब एटमॉस्फेयर में जो आ, ग्लोबल वार्मिंग की गैसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्जॉर्ब हो जाएगी और ग्लोबल वार्मिंग कम होगी इससे क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट कम हो सकता है ठीक है तो उसके लिए पहली इंडिया की पहली टील कार्बन स्टडी जो है टील कार्बन स्टडी जो है वो मैं बता दो केलाद्यो नेशनल पार्क में कंडक्ट की गई है

रिसेंटली हु ऑनर्ड फॉर द स्पोर्टिंग पॉवर्स प्रोवर्स एंड अपॉइंटेड एज नैशनल आइकन्स फॉर पर्सन विथ डिसबिलिटी अब आप कहेंगे सर ये प्रोवेस क्या होता है देखिए प्रोवेस में बता दू समिंग मतलब प्रोवेश प्रोवेस होते हैं या स्पोर्ट्स प्रोवेस होते हैं मतलब सम वन विद ग्रेट स्किल इट डूंग समथिंग ठीक है मतलब जिनके बाद बहुत ज्यादा स्किल होना फॉर डूइंग समथिंग उन्हें कहते हैं प्रोवेस ओके तो स्पोर्टिंग प्रोवेस तो रिसेंटली हुए स्पोर्टिंग प्रोवेस अपॉइंटेड एज नेशनल आइकन ऑफ पर्सन विद डिसबिलिटी ओके तो अभी आपको पता होगा ये दो लोगों को अपॉइंट किया गया ये है एक शीतल देवी जो बहुत न्यूज में चली है और दूसरे है राकेश कुमार आर्चर है याद रखिये आर्चरी में इन्होंने अभी पेरिस पैरा ओलिपिक्स जो हुए हैं वहां इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन दोनों की टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है ओके तो इनको नेशनल आइकन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी बनाया गया तो ये भी आपको याद रखना है तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और आज आप सबको पता है कौन सा डे है आज है इंजीनियर्स डे ओके इंजीनियर्स डे हम बनाते हैं क्योंकि याद रखिएगा विश्वसरैया की बर्थ एनिवर्सरी पे हम

अष्टलक्ष्मी ओके okay, महोत्सव अब आप कहेंगे सर ये अष्ट लक्ष्मी महोत्सव क्या है मैं आपको बता देता हूं अष्टलक्ष्मी महोत्सव जो अभी रिसेंटली इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है न्यू दिल्ली में ओके okay? और अष्ट लक्ष्मी महोत्सव का मतलब है यहां पर जो आपके एट नॉर्थ ईस्ट है, स्टेट्स हैं, अष्ट

ज दफ द बुक मतलब गुप्ता के बारे में बताया गया ट्रेजर्स ऑफ गुप्ता अम्पायर इसके ऑथर जो है, वो है संजीव कुमार करेक्ट so, आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए संजीव कुमार डायरेक्ट बुक ऑथर में क्वेश्चन आ सकता है okay, next question. WHO granted first

क्लोजेस्ट टू विच कहेंगे सर ये कोलंबो ये कौन सा स्पेस रहा है मैं तो तो आपको ये कुछ भेज रहा है तो है? है ठीक मैंने पूछा किस मरकरी के लिए तो करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए मरकरी देख सकते हैं पर ये 2018 का मिशन है ठीक है जिसको लॉन्च किया था यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी मतलब जापान और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर इस बेपी कोलम्बो को लॉन्च को किया था जिसका मिशन था टू द प्लैनेट मरकरी के स्टडी uh, करना इसका एजेंडा था 2018 का मिशन है और अभी रिसेंटली कुछ फोटोज वगैरह भेजता रहता है इसलिए न्यूज में आता रहता है तो मेरा मानना है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ओके नेक्स्ट द बुक फाइव डिकेड्स इन पॉलिटिक्स द बुक फाइव डिकेड इन पॉलिटिक्स जो है इसके ऑथर कौन है अभी रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया ठीक है कौन है इसके ऑथर तो मैं बता दू पॉलिटिशियन है ये ये हमारे एक्स होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं कांग्रेस के टाइम पर इनका नाम है सुशील कुमार शिंदे तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है है ना तो याद रखें इनकी बुक है दैट इज फाइव डिकेट्स इन पॉलिटिक्स ओके नेक्स्ट क्रॉप फेस्टिवल नौखई ये फेस्टिवल बहुत फेमस है मैं आपको बता दूं एक वन ऑफ द एग्रीकल्चर फेस्टिवल है जो कि बहुत फेमस है मैंने पूछा ये किस स्टेट में

चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा तो बताइए इस बार पैरा ओलम्पिक्स में ठीक है गोल्ड मेडल जितने भी जीते गए हैं मैं आपको बता देता हूं सात गोल्ड मेडल जीते हैं ठीक है उनमें से किसी एक पर्सन का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जिसने गोल्ड मेडल जीता और आपका फेवरेट है ठीक है तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे आई होप उसका नाम मेंशन करिए जिसका मोदी जी ने बोला है इसकी रील बहुत वायरल हुई है ठीक है आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं अगर हो सके तो उसका नाम भी आप मेंशन कर सकते हैं ओके चलिए करेक्ट आंसर है है चलिए नेक्स्ट अरुण गोयल की बात करता हूं ये इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं अभी इनको एम्बेसिडर अपॉइंट किया गया किस कंट्री का देखो इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तो करेक्ट आंसर है क्रोशिया यूरोप की कंट्री आप देख सकते हैं है ना क्रोशिया इसके ऊपर आप हंगरी देख रहे होंगे ठीक है बगल में आपको सर्बिया भी दिख रहा होगा ठीक है तो क्रोशिया यूरोप की कंट्री है ठीक है जिसकी अभी ये एम्बेसिडर अपॉइंट हुए हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर बिकेम द फर्स्ट फुटबॉलर इन द वर्ल्ड टू स्कोर नाइन हंड्रेड गोल्स और 900 नौ सौ गोल मारने वाला पहला फुटबॉलर कौन बन गया है अच्छा वर्ल्ड रिकॉर्ड क्योंकि पहला फुटबॉलर बने कौन बने हैं और इनका नाम है क्रिस्तियानो रोनाल्डो याद रखिएगा टी आर सेवन आपने सुना होगा रोनाल्डो का नाम सुना होगा तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो आप लोग मेसी फैन हो या आप लोग रोनाल्डो फैन हो ओके कमेंट बॉक्स में मुझे मैंशन कर दो कि आप लोग किसके फैन हो तो अगर आप मुझसे पूछोगे सर आप किसके फैन हो तो मैं बताता हूँ आई ए रोनाल्डो फैन ओके okay. आप किसके फैन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ओके चलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है दैट इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो ओके नेक्स्ट देखिए आप एक पर्सन का नाम लिखा हुआ दैट इज अब्दुल ओके रिसेंटली ये प्रेसिडेंट बने हैं किसी कंट्री के तो मैंने पूछा है किस कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं अफ्रीका कंट्री के प्रेसिडेंट बने है. वो अफ्रीका कौन सी कंट्री है बताता हूँ दैट इज अल्जीरिया आप यहां देखिए आपको अल्जीरिया दिख दिखा होगा नॉर्दर्न अफ्रीका के में तो करेक्ट आंसर अल्जीरिया है ठीक है जिसके ये याद रखिएगा प्रेसिडेंट uh, बने हैं ठीक है और ये एक्चुअली री एलेक्ट हुए पहले भी यही थे वापस ये हो ये हो गए ओके उनकी इमेज आप इमेज देख सकते सेवेंटी एट ईयर ओल्ड है मेन सिंगल इन यूएस ओपन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन ये आएगा कि मेन सिंगल टाइटल किसने जीता यूएस ओपन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में ये उनकी इमेज है ये इटली से बिलोंग करते हैं इनका नाम है जेनिक सिनर ओके इन्होंने हराया किसको वो बताया था उन्होंने टेलर फिट्स याद रखिएगा इसको इन्होंने हराया जो कि यूएसए से बिलोंग करता है इसको इन्होंने हराया है जेनिक सिनर ने ओके तो ये या आपको याद रखना है टेलर फिट्स को जो यूएसए से बिलोंग करते हैं उनको इन्होंने हरा दिया है ओके हु वॉन वुमेन सिंगल टाइटल एट यूएस ओपन वुमेन सिंगल टाइटल यूएस ओपन मैं बता दूं ये कौन सा टाइटल है मतलब चैंपियनशिप जिसको नहीं पता याद देखिएगा इट्स आ टेनिस टूर्नामेंट कौन सा टूर्नामेंट है ये

किस कंट्री में आई टी दिल्ली ने अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस ओपन किया है तो करेक्ट आंसर है यूएई यूएई में धाबी में याद रखिएगा पहला या पे देख सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी दिल्ली अबू धाबी तो यहां पर ओपन किया गया है क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आ सकता है ये या आपको याद रखना है ओके नेक्स्ट विच कंट्री है वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लास्टिक पोलूटर प्लास्टिक पोलूटर भी रिसेंटली रिपोर्ट आई है उसमें वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लास्टिक पोलूटर कंट्री कौन सी बनी है प्लास्टिक पोल्यूशन में सबसे आगे तो वो बनी है आपकी इंडिया करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है देखिये न्यू स्टडी है यूनिवर्सिटी ऑफ लीज की जहां पर बताया गया है कि इंडिया लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है प्लास्टिक पोल्यूशन का ओके चले नेक्स्ट फर्स्ट पोजिशन इन द कैटेगरी वन इन द क्लीन एयर सर्वे ट्वेंटी ट्वेंटी फोर देखिए क्लीन एयर सर्वे हुआ सबसे क्लीनेस्ट आप कह सकते एयर के परस्पेक्टिव में रैंक वन पर कौन रहा यह मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है और करेक्ट आंसर है दैट इज सूरत गुजरात का सूरत जो है वो करेक्ट आंसर है सी नेशनल क्लीन एयर सिटी है उसका नाम है

फॉरन मिनिस्टर ठीक है जिनका नाम है एस जयशंकर आंसर ऑप्शन में डी है एस जयशंकर जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं सेशन आप देख सकते हैं 25th सितंबर से लेकर 30th सितंबर तक ये सेशन होने वाला है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ एशियन ओलंपिक काउंसिल एशियन ओलंपिक काउंसिल का याद रखेगा पहला इंडियन है जो इसका प्रेसिडेंट बना है और चार साल के टेन्नोर मिला है इनका नाम है रणधीर सिंह करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है दैट इज रणधीर सिंह टेन्योर आप देख लिए 2024 से लेके 2028 तक का इसका टेन्योर रहेगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 हाउ मेनी मेडल्स हैव बीन वन बाय इंडिया एट द 17th पैरालंपिक गेम्स इन पेरिस याद देखिए कितने मेडल इंडिया ने 17th पैरालंपिक गेम जो पेरिस में हुए फ्रांस में उसमें इंडिया ने जीते हैं ठीक है टोटल इंडिया मेडल जीते हैं 29 तो चारों में ही ऑप्शन 29 है

टली लॉन्च इंडियाज फर्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इन ब्रेन लैंग्वेज तो ब्रेल लैंग्वेज में इंडिया की पहली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च करने वाली कौन सी कंपनी है तो करेक्ट आंसर दैट इज स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है है ना तो स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस ओके इसका मेन एम जो याद रखिएगा जो इंपेयर्ड याद रखे विजुअली इंपेयर इंडिविजुअल्स होते हैं उनको एम्पावर करना ठीक है जिससे कि ब्लाइंड पीपल अपने हेल्थ इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन इंडिपेंडेंटली एक्सेस कर सकें, ठीक है तो उसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो ब्रेल लैंग्वेज में लॉन्च की गई नेक्स्ट वेयर विल सेमीकॉन इंडिया 2024 बी होस्टेड फ्रॉम

वो गया था ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हु इज द क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी विजिटेड इंडिया इन 2024 मैं आपको बता दूं ये दो दिन के लिए इंडिया आए थे ठीक है uh, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस इनका नाम मैं आपको बताया इनका नाम है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से भी मिले इनकी इमेज आप देख सकते हैं शेख खलीद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नयान याद रखिएगा तो करेक्ट आंसर क्या है दैट इज इज ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर ओके दो दिन की ऑफिशियल विजिट थी ओके okay? नेक्स्ट 2025 की Quad की जो मीटिंग है वो किस कंट्री में होगी ठीक है में बता दू, चार मेंबर्स हैं एक ऑस्ट्रेलिया है एक यूएस है एक जापान है एक इंडिया है, है तो ये तो क्लियर है इन चारों में से कोई एक कंट्री होगी बट मैंने पूछा 2025 की कहा होगी ठीक है वो होगी इंडिया में जल्दबाजी में यूएस आंसर मत लगाना यूएस में ट्वेंटी की होगी क्वैड सबमिट

वो इसकी थीम है तो थीम भी आपको याद रखनी है ओके नेक्स्ट इन सिटी विल द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बी डेवलप्ड याद रखिएगा इन विच सिटी विल द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बी डेवलप्ड तो किस सिटी uh, में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी जो है वो डेवलप किया जा रहा है करेक्ट आंसर हैदराबाद याद रखिएगा

वो लॉन्च किए गए इनका नाम याद रखना मालपे और मुल्की है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया विल ऑर्गेनाइज द फर्स्ट ग्लोबल कॉपरेटिव कॉन्फ्रेंस फ्रॉम ट्वेंटी फिफ्थ टू थर्टी नवंबर इन विच सिटी ओके तो फर्स्ट ग्लोबल कॉपरेटिव कॉन्फ्रेंस जो है ट्वेंटी फिफ्थ टू थर्टी नवंबर में किस सिटी में होने वाली मैं है मैंने आपसे पूछा है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये होने वाली न्यू दिल्ली में याद रखिए होने वाली न्यू दिल्ली में भारत मंडपम में होगी तो है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसलिए इंडिया फर्स्ट ग्लोबल इन न्यू डेली। मतलब पहली बार एक जो है वो इंडिया में हो रही है फर्स्ट टाइम इन वन थर्टी ईयर हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल द कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड इन इंडिया हो रही है ओके तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी ये नवंबर में आपको पढ़ाऊंगा इसके बारे में न्यू डेली में ये हो होने वाली है ओके नेक्स्ट द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इसका नाम है युद्ध अभ्यास जो अभी 2024 में हुई है हैज बिगन बिटवीन इंडिया एंड व्हिच कंट्री इंडिया और किस कंट्री के साथ ये एक्सरसाइज है ये मैंने आपसे पूछा है ये एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए की है करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है दैट इज अमेरिका इंडिया और यूएसए की एक्साइज है जो तो कि ट्वेंटी एडिशन अभी स्टार्ट हुई है याद रखिए कहां पर चलेगी राजस्थान में तो के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लोकेशन भी आपसे पूछ सकते हैं कौन सा एडिशन है ट्वेंटी लोकेशन पूछे तो आंसर होगा राजस्थान कप इंटर कॉन्टिनेंटल कप में आपको बता दू फुटबॉल इवेंट है और इसको किसने जीता है इसमें इंडिया भी था मॉरिशस भी था और सीरिया भी था

जाम्बिया कोई भेजा गया जिम्बाबे को भेजा गया इसका रीजन तीनों कंट्री मलावी जाम्बिया और जिम्बाबे तीनों कंट्री की कैपिटल जो है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स से मैंशन करके बताइए कि इन तीनों की कैपिटल क्या है ओके यहाँ पे करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अब नेक्स्ट हु बिकेम द फर्स्ट एवर स्कूल गर्ल चैंपियन

तो श्री विजयपुरम नाम रखा गया है गवर्नमेंट ने किसी चीज का नाम रीनेम कर दिया गया है एज श्री विजयपुरम तो किसका नाम गवर्नमेंट ने रीनेम किया है मैंने ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको बताना है किसका नाम है नाम रीनेम किया और करेक्ट आंसर पोर्ट ब्लेयर दैट इज अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर का नाम रीनेम कर दिया गया एज अ श्री विजयपुरम ओके और एक बात मैं आपको बता देता हूं आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है आंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड इसको कौन सेपरेट करता है हु सेपरेट आइलैंड आइलैंड निकोबार इसको क्यों कौन सेपरेट करता है या से बताएंगे. Okay, तो का नाम श्री विजयपुरम रख दिया गया है ना और याद रखिएगा वैसे पोर्ट ब्लेयर में आपको बता दूं बहुत फेमस भी रहा है बिकॉज ऑफ द चोलांपायर का एक, एक इंपॉर्टेंट नेवल बेस हुआ करता था ये चलिए नेक्स्ट रिसेंटली विथ स्कीम बेनिफिट एक्सटेंडेड टू सीनियर सिटीजन मोदी है, है जो में में ने रांची झारखंड से लॉन्च की थी आयुष्मान भारत okay, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो कि गवर्नमेंट जिसको फाइनेंस करती है जहां पर पांच लाख पर

यार सीताराम ये मैं इमेज देता हूँ इनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई ठीक है तो ओबिटरीज में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पॉलिटिशियन थे ये uh, 12 को इनकी डेथ हो गई न्यू दिल्ली में एम्स में इनका इलाज चल रहा था मैंने पूछा जनरल सेक्रेटरी थे किस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे ओके okay, तो ये जनरल सेक्रेटरी थे सीपीआई एम के करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है सीपीआई एम के जनरल सेक्रेटरी थे ओके नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग हैज द सिंगापुर लिटरेचर प्राइस फॉर हर बुक के लिए मैंने कवर किया हुआ है और यह बनी है देख सकते हैं डी तो है प्रसंती राम जो है उनको ये अवार्ड मिला है ओरिजिन ओके चलिए नेक्स्ट विच कंट्री बिकेम द न्यू मेंिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स का

फिर आप देखिए यूएई है और उरुग्वे है तो ये टोटल टेन हैं इसके ओके एनडीबी बैंक के ठीक है नेक्स्ट विच कंट्री विल इंट्रोड्यूस अ मिनिमम एज लॉ फॉर सोशल मीडिया यूज तो ये किस कंट्री ने किया है है ना कि मिनिमम एक एज बना दी उसके नीचे यानी कि बैन कर दिया सोशल मीडिया को बहुत अच्छा है सिक्सटीन ईयर्स के नीचे बैन कर दिया है सोशल मीडिया को और वो किया है ऑस्ट्रेलिया ने करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया ने याद रखिएगा इसको बैन किया है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मोदी ने चेयर चेयर किया है डैश गवर्निंग बोर्ड मीटिंग ऑफ अनुसंधान नेशनल नेशनल रिसर्च रिसर्च फाउंडेशन फाउंडेशन ओके तो अनुसंधान बता दूं मैं आपको एक बॉडी है इसको 2023 के के एक्ट थ्रू किया गया था जो तो एक रिसर्च बॉडी है इसकी पहली गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग हुई थी याद देखेगा फर्स्ट गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग हो रही थी ठीक है और इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चेयरमैनशिप की है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है फर्स्ट मीटिंग थी इसकी ठीक है चलिए नेक्स्ट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज ऑनर्ड हाउ मेनी पीपल विद नेशनल नाइट एंगल अवार्ड देखिए ये अवार्ड बता दूं मैं आपको नर्स को दिया जाता है नर्सेस का सबसे बड़ा अवार्ड है कितने लोगों को ये अवार्ड दिया है ठीक है है मुर्मू ने अभी दिया है, तो करेक्ट आंसर है फिफ्टीन लोगों को ये अवार्ड मिला है ठीक है तो याद रखिएगा देख सकते हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अवार्ड फिफ्टीन नर्सेज फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विसेज ओके सर्विसेजी थ्री से अवार्ड दिया जा रहा है नेशनल फ्लोरेंस नाइट एंगल अवार्ड ओके नेक्स्ट रिसेंटली पीएम मोदी ने वर्चुअली एड्रेस किया है एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन ओके तो कौन से एडिशन का ये कॉन्फ्रेंस हुआ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन ये हुआ सेकेंड कॉन्फ्रेंस तो करेक्ट आंसर क्या है दैट इज ऑप्शन नंबर बी कॉन्फ्रेंस ओके याद रखिएगा इलेवन सेब को न्यू डेली में सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है ग्रीन हाइड्रोजन पे ओके नेक्स्ट इन विच ईयर डिड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एडॉप्ट इंडिया

14 सितंबर 1949 में इसीलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस जो है वो सेलिब्रेट करते हैं ठीक है तो करेक्ट आंसर 1949 है और आप देखेंगे इस बार 75 ईयर मतलब डायमंड जुबली हो गई है ठीक है तो 75 ईयर्स हो गए हैं ठीक है तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि डायमंड जुबली हो गई है हमारी जब से हमने हिंदी को अडॉप्ट किया है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है 14 सितंबर 1949 ओके

वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो है रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया है चांदीपुर उड़ीसा कोस्ट से याद रखिएगा चांदीपुर ओडिशा कोस्ट से इसको लॉन्च किया गया तो ये आपको एग्जाम परस्पेक्टिव से लॉन्च याद रखना है ट्वेल्थ सेप्टेंबर को ही लॉन्च किया गया है। ओके आपको पता नहीं चला होगा मैंने कितने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए मैंने टोटल 52 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए और यहां पर जितने भी वीकली क्वेश्चन थे वो सारे मैंने कंप्लीट कर दिए कैसा लगा लेक्चर लेक्चर को लाइक करके बताओ बहुत मेहनत से मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आता हूँ जिससे आपका क्विक रिविजन हो जाए ओके अब आप चारों को साथ ही कोई बुकलेट है क्या जिससे हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए तो ये रीजे आपके लिए एक बुकलेट लीजिए एट मंथ करंट अफेयर जनवरी से लेके अगस्त तक की इसमें देखिए पॉइंट फ्रेम में सारी करंट अफेयर्स बनाई हुई है इस बुकलेट को आप ऑर्डर कर सकते हैं कैसे ऑर्डर करेंगे ये नीचे आप देख रहे हैं व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है इस पर आप मुझे व्हाट्सएप करिए मैं आपको इसकी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा कैसे बुकलेट मिल सकती है, है ना आप चाहे तो एप्लीकेशन देवशीष क्लासेस यहां से भी डायरेक्टली बाय कर सकते हैं आप पर डिपेंड करता है आपको बाय कहां से करना है ठीक है तो आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं मैं आपको सैंपल दिखाएता हूँ लोग सैंपल की बात करते हैं देखिए मैंने कुछ दो तीन पेज का सैंपल डाला हुआ बिल्कुल एकदम पॉइंट फ्रेम में बुकेट बनाई हुई है एग्जाम परस्पेक्टिव से है आप तुरंत व्हाट्सएप करिए देखो अगर आप लोग सीरियस हो तो मेरा मानना है थोड़ा बहुत स्पेंड करना चाहिए देखो सही चीज पर अगर स्पेंड करोगे उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं याद रखिएगा और आप अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट करोगे आपकी जॉब लगेगी आपकी फैमिली बन जाएगी याद रखिएगा एक तरीके से आपकी लाइफ फैमिली दोनों स्टैब्लिश हो जाएगी तो अपनी एजुकेशन में स्पेंड करना उसे इन्वेस्टमेंट करते हैं ठीक है तो सही जगह आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो इसमें आपको एक मिनिमम कॉस्ट देना है जो कि बहुत कम है और आपको एक बुकलेट इजिली मिल जाएगी ठीक है अब आप सोचोगे सर आगे का जो मंथ रहेंगे फिर आप उसमें फिर से बोलोगे सेप्टेंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर इसमें फिर से आगे के मंथ रहेंगे उसके भी पैसे मांगोगे नहीं मांगा जाएगा वन टाइम पेमेंट है और लाइफ टाइम में आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर दूंगा

और थोड़ा सा मैंने फिर से बताया आपको वन टाइम ये सब एक साथ ही मिलेगा ऐसा नहीं कि अलग अलग सबके लिए पे करना पड़ेगा वन टाइम पेमेंट एक टाइम का सब्सक्रिप्शन रहेगा और सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी ठीक है या तो आप एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो ठीक है अगर एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे देवशीष क्लासेस तो बेनिफिट बता दूं वहां पर जाना वहां पर हैंड रिटेन नोट्स करके वहां पे मेरा फोल्डर बना हुआ है ठीक है वहां पर आप उन नोट्स को एक बार चेक करना उसका सैंपल पॉलिटी का जोग्राफी का हिस्ट्री का ये सारे सैंपल चेक करना ठीक है और इन नोट्स को आप बाय कर सकते हो ठीक है और आप एक बार चेक कर लेना आपको नोट्स पसंद आए आप घर कुरियर भी हो सकते हैं हार्ड कॉपी के फॉर्म में तो एक बार अगर आप सीरियस हो तो जाकर सैंपल देख लेना पसंद आते हो तो आप ऑर्डर भी कर सकते हो ठीक है इंडिविजुअल सब्जेक्ट चाहिए तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट की क्लासेस भी हैं नोट्स भी हैं सब कुछ अवेलेबल होगा कोई डाउट क्वेरी है तो ये रहा मेरा जरूर डाउनलोड करो देवशीष क्लासेस मिलेगी यूपीएससी की प्रिपरेशन करो यूपीएससी की क्लासेस मिलेंगी स्टेट सर्विसेज की तैयारी करो आपको जनरल स्टडीज की क्लासेस मिलेंगी ठीक है सब कुछ मिलेगा यूपीएससी प्रिपरेशन करो उसका भी कंप्लीट बैच आपको अवेलेबल हो जाएगा जो लोग सीरियस स्टूडेंट्स हैं मैं आपको गारंटी देता हूं मैं आपका एग्जाम क्वालिफाई करवा दूंगा अगर आप मेरे पाथ को फॉलो करोगे तो ठीक है याद रखिएगा अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे वहां पर जनरल स्टडीज की भी क्लासेस अवेलेबल है है ना और प्लस वहां पर आपको देखेंगे आप जनरल स्टडीज के साथ साथ आपको अदर सब्जेक्ट्स की भी क्लासेज दो मिल जाएंगे कोई डाउट क्वेरी है ना तो आप कॉल कर सकते हो या तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो या देखिए सिर्फ करंट अफेयर्स का चाहिए मैंने अभी आपको बता दिया व्हाट्सएप पे मैसेज करो थोड़ा सा स्पेंड करो जो कि आपका स्पेंडिंग नहीं होगी वो आपका इन्वेस्टमेंट होगा क्योंकि जब आपकी जॉब लग जाएगी आपके लिए वो पैसा मैटर भी नहीं करेगा ठीक है तो याद रखिएगा तुरंत व्हाट्सएप करो सीरियस स्टूडेंट्स जो होंगे जरूर व्हाट्सएप करते हैं मुझे और वो चीजों को लेते भी है तो जो लोग नॉन सीरियस हैं वो जनरली कहते हैं, अरे सर ये तो बहुत महंगा है ऐसा बोलते हैं सोचिए तो जब आप लोग 200 400 चार सौ रुपए भी अगर आप अपनी लाइफ टाइम एजुकेशन में नहीं लगा सकते तो फिर आप क्या स्पेंड करोगे क्योंकि देखो यार आप लोग एग्जाम निकालना चाहते हो बड़े बड़े एग्जाम्स निकालना चाहते हो और उसके लिए आप चाहते हो कि हर चीज आपको आप देखो जब पे करते हो ना तो आपको वहां पर मिलती है थीके? ये बात आपको ध्यान है। तो एक फ्री है, बट क्लास का बेस्ट क्वालिटी आप बेस तो है, है, व्हाट्सएप आप करेंगे आपको अभी भी डिस्काउंट जो इसमें चल रहा है वो मिल जाएगा और बहुत मिनिमम कॉस्ट में आपको लाइफ टाइम करंट अफेयर्स मिल जाएगी तो तुरंत व्हाट्सएप करो जो भी स्टूडेंट्स हो ओके यहां पर मैं चलता हूं आई होप आपको लेक्चर समझ में आएगा कोई डाउट क्यों रही है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए करते रहते हैं ओके okay, उनके रिप्लाई देने की भी कोशिश करते हैं बट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा यार यहां तक आ गए हो तो आपको पता है मेरा टारगेट क्या है वन मिलियन का टारगेट हमारी फैमिली वन मिलियन हो जाए यहां पर आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हो मैं आपसे ये सपोर्ट जो आप करो इसके बदले में मैं आपको लेक्चर्स बनाता रहूंगा चिंता मत करो लेक्चर्स आते रहेंगे बट रिटर्न में जरूर इस वीडियो को शेयर करो जैसे आजकल कर आप लोग वीडियो को मेरे बहुत शेयर कर रहे हो ऐसे ही शेयर करते रहो हम बहुत जल्दी अपने टारगेट वन मिलियन को अचीव कर लेंगे ओके आई होप आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे ओके अब मैं यहाँ पर चलता हूँ आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा तो यहाँ पर चलते हैं हम थैंक यू एवरी जय हिंद जय भारत जय जगन्नाथ